वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सैप में कैसे कोई बीट या बीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं या बीट में पोस्टमैन चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम सैप में जाएंगे, यहाँ पे हम JDEMO बीट क्रिएट टी कोड एंटर करेंगे, फिर हम यहाँ पे फैसिलिटी आईडी डालेंगे जी सब इसका करना है, एंड ये सिर्फ RDA लॉगिन पे ही होगा तो RDA लॉगिन से करना पड़ेगा। फिर आपको बैच आईडी देना पड़ेगा, मैं बैच 1 दूंगा। जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे शिफ्ट Gen2 देंगे, यहाँ पे हम बीट सिलेक्ट करेंगे, कौन सा बीट के लिए हम ये कर रहे हैं वो बीट हम सिलेक्ट करेंगे, इसका टाइप सिलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट या टेम्पररी, हम डिफ़ॉल्ट करेंगे परमानेंट पोस्टमैन है तो। एंड आपको फ्रॉम डेट एंड टू डेट एंटर करना पड़ेगा, ये आप कैलेंडर से भी ले सकते हैं एंड टाइप भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे पर्सनल नंबर जो पोस्टमैन का है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, एम्प्लॉई आईडी उसका नाम आ जाएगा, फिर हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने से बीट क्रिएट हो जाएगा, सॉरी हम अब सेव भी कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया, डेटा सेव सक्सेसफुली, तो हो गया है। ऐसे आप बीट क्रिएट कर सकते हैं या पोस्टमैन का नेम चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।